से विवाद मालदीव को महंगा पड़ रहा है। मोइजू को डर सता रहा है कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं पहुंचते हैं तो उनके देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। और इसी को लेकर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने चीन से गुहार लगाकर अपने यहां से ज्यादा पर्यटक मालदीव भेजने की अपील की है। भारत और मालदीव के बीच लक्षद्वीप को लेकर तनातनी बनी हुई है। मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्षद्वीप को लेकर विवादित बयानबाजी की। दरअसल लक्षद्वीप दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लक्षद्वीप एक खूबसूरत द्वीप है और लोगों को यहां भी घूमने आना चाहिए। मालदीव के मंत्रियों की हरकत से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक ने लक्षद्वीप के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। जी मीडिया की टीम लक्षद्वीप पहुंची और यहां के खूबसूरत द्वीप पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी की अपील के बाद लोग कितने बदलाव की उम्मीद रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर आए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिसके बाद से लक्षद्वीप की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये तस्वीरें साझा की थी, लेकिन मालदीव को मिर्ची लग गई और मालदीव यहां पर बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हम सीधे पहुंचे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में यह कवरत्ती द्वीप है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहां पर यह सफेद बीच है, नीला समंदर है, और जो समंदर का पानी है वो बहुत ही साफ बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, और पर्यटकों के लिए यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है कि लोग आने वाले दिनों में पर्यटक के तौर पर लक्षद्वीप के इन बीचों को आकर ट्राई करें, इन बीचों पर आकर अपना वक्त बिताएं। लक्षद्वीप की खूबसूरती देखते ही बनती है। जी मीडिया की टीम लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पहुंची। यहां पर आलीशान रिजॉर्ट बने हैं जहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहां लक्षद्वीप का शानदार सैंडी बीच है। रिजॉर्ट से ही बीच का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के कवरत्ती में मौजूद हूं, और कवरत्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि कैसे मालदीव के कुछ लोग लक्षद्वीप के लिए ये कह रहे थे कि यहां पर कैसे पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन आप जब यहां पर आएंगे लक्षद्वीप में तो आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे कॉटेज यहां पर बनाए गए हैं। इन कॉटेज को काफी शानदार बनाया गया है ताकि लोग यहां पर आकर काफी वक्त बिता सके और जो लक्षद्वीप की सुंदरता है उसे भी यहां से निहार सके। मैं आपको पहले अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं, कॉटेज कितने अच्छे यहां पर बनाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि बहुत ही एक छोटा कॉटेज है लेकिन सुविधाओं से भरपूर ये कॉटेज होगा। वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही आप इस पूरे कमरे की तस्वीर देखिए। इस कमरे की तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाए कि कैसे छोटे छोटे कॉटेज यहाँ पर तैयार किए गए हैं, कैसे यहाँ पर हट तैयार किए गए हैं, और इसके साथ ही कई जगह पर यहाँ रिजॉर्ट भी तैयार है ताकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे उन्हें लक्षद्वीप की सुंदरता अपने कमरे से ही दिखाई पड़ सके। क्योंकि आप जब इस कमरे में बैठेंगे, इस कमरे से बाहर पूरा समंदर की तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, खिड़की से पूरा समंदर का व्यू दिखाई देगा, और ये तस्वीरें यहाँ पर लक्षद्वीप के कवरत्ती से हम आपको दिखा रहे हैं। कवरत्ती में ये छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं और ये कोई बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा नहीं बनाए गए, यहाँ के आम लोगों के द्वारा डेवलप किए गए हैं। किसी ने 6 कमरे का कॉटेज बनाया, किसी ने 10 कमरे का कॉटेज बनाया है, जो इस हिसाब से यहाँ पर पर्यटकों को रुकवाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। आसमान से भी लक्षद्वीप बेहद शानदार दिखता है। चारों तरफ नारियल के पेड़ और समुद्र की लहरें मन को झकझोर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाए और बस ये खूबसूरत नजारा देखते रहे। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर छोटे बड़े कुल 36 द्वीप हैं। 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। केरल के कोच्चि से इसकी दूरी करीब 440 किलोमीटर है। कोच्चि को लक्षद्वीप का गेटवे भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,473 है। यहाँ प्रमुख रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप पहुँचने के लिए केरल के कोच्चि से हवाई सफर के जरिए पहुँचा जा सकता है। समुद्री जहाज और हेलीकॉप्टर से भी लक्षद्वीप पहुँच सकते हैं। इस वक्त मैं खूबसूरत लक्षद्वीप के कवरत्ती तट पर मौजूद हूं और ये यहाँ का एक अच्छा द्वीप कहलाता है, और आमतौर पर अगर आपको लक्षद्वीप आना है तो कोच्चि इसका गेटवे भी कहलाता है।
केरला के कोची से कुछ इस तरह के शिप चलकर यहाँ लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचती है, चाहे अगत्ती की बात करें या फिर कवरत्ती जहां पर मैं मौजूद हूं। और इस शिप के माध्यम से लगभग 14 से 18 घंटे का वक्त लगता है आपको लक्षद्वीप के अलग अलग द्वीपों तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ ही आप हवाई यात्रा का भी सहारा ले सकते हैं, मात्र 1.5 घंटे में कोची से आप लक्षद्वीप के अगाती पहुंच सकते हैं। और रोज एक फ्लाइट चलती है सुबह 8:55 पर कोची से लक्षद्वीप के लिए। और फ्लाइट के साथ साथ आप देखिए कुछ इस तरह की शिप आएगी, लक्षद्वीप प्रशासन की तरफ से ये शिप चलाई जाती है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ऐसी खूबसूरती जो हमारे देश के लक्षद्वीप में है वो मालदीव जैसे देशों में कहाँ हो सकती है। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने देश के इन पर्यटक स्थलों को घूमना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। और यही वजह है कि जब आपको लक्षद्वीप आना हो तो बहुत सारे साधन हैं। आप कोची से 3 प्रकार से लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं, पहला इस शिप के माध्यम से, दूसरा यहां पर कमर्शियल फ्लाइट भी चलती है, और तीसरा हेलीकॉप्टर यानी जो चॉपर है उनके माध्यम से भी आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। लक्षद्वीप की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म है। यहाँ